नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया। आपके साथ मैं हूं नेहा परिहार। कहते हैं उत्तर प्रदेश कई ऐसे रहस्यों को अपने आप में समेटे हुए है जिनसे काफी लोग अनजान हैं। इस युग में धर्मनगरी के मंदिरों के बारे में तो सभी जानते हैं, लेकिन यूपी के हरदोई में भी 250 साल पुराना एक ऐसा मंदिर है जिसका अपने आप में ही एक अलग इतिहास है। क्या है गोवर्धनी देवी के इस मंदिर की खासियत, देखिए हमारे इस रिपोर्ट में। आज हम हरदोई जनपद के सवाजपुर में स्थित गोवर्धनी माता के एक ऐसे स्वरूप को दिखाएंगे जिसे न तो आपने कभी देखा होगा और न ही कभी जाना होगा। जी हाँ, गोवर्धनी माता, जिन्हें गोवर्धनी माता के नाम से जाना जाता है। गोवर्धनी माता का सवाजपुर में स्थित मंदिर अपने आप में कई पौराणिक इतिहास दबाए हुए है। राजा चतुर सिंह के द्वारा बनाया हुआ ये मंदिर लोगों के बीच आस्था और श्रद्धा का केंद्र बना हुआ है। हरदोई सवाजपुर का गोवर्धनी माता का मंदिर लोगों की आस्थाओं को जानता है, लोगों की समस्याओं का निवारण करता है, ऐसा वहां के लोगों का मानना है। उत्तर प्रदेश का हरदोई जिला अपने आप में कई पौराणिक इतिहासों को समेटे हुए है। सवाजपुर में बना प्राचीन मंदिर लोगों की आस्था और श्रद्धा का केंद्र है। लोगों के मुताबिक ये मंदिर करीब 250 साल पुराना है, जिसे गोवर्धनी देवी के नाम से जाना जाता है। आज न्यूज वर्ल्ड इंडिया आपको इस पूरे मंदिर का इतिहास बताने जा रहा है। मंदिर का इतिहास है कि जो भी सच्चे मन से इस मंदिर में अपनी आस लेकर आता है, वो मां गोवर्धनी देवी के द्वार से कभी खाली हाथ नहीं लौटता है। माना जाता है कि जब सिवाजपुर अकाल और सूखे का दंश झेल रहा था, उस वक्त यहां के राजा चतुर सिंह को एक सपना आया। राजा चतुर सिंह को सपने में मां गोवर्धनी देवी ने कहा कि तुम्हारे राज्य में जो अकाल व सूखा पड़ा हुआ है, इसे खत्म करने के लिए तुम्हें यहां मेरे मंदिर की स्थापना करानी होगी। अगर तुम यहां मेरे मंदिर की स्थापना कर दो तो तुम्हारे राज्य में सूखे व अकाल की समस्या खत्म हो जाएगी। ये लगभग 250 साल पुराना मंदिर है, 250 साल पुराना मंदिर है। यहाँ पर बताते हैं जो महाराज चतुर सिंह थे यहाँ के राजा, तो उनको माँ देवी ने एक बार रात में स्वप्न दिया था कि तुम्हारे राज्य में जो दिक्कतें आ रही हैं, सूखा पड़ रहा है जो आ रही हैं, तो वहाँ बरगद के पेड़ के नीचे, गांव के उत्तर दिशा में गोबर के नीचे हमारी मूर्ति स्थापित है, तो उनको स्थापित कीजिए। उनका गांव वाले, क्षेत्र वाले सभी पूजन करें तो सभी परेशानियां, बीमारियां सब दूर हो जाएंगी। इसी के साथ माता गोवर्धनी ने राजा को क्षेत्र में एक ऐसा स्थान बताया जहां पर वो मंदिर निर्माण के लिए खुदाई करें, तो वहां माता गोवर्धनी देवी की मूर्ति दबी हुई है। राजा ने ठीक वैसा ही किया जैसा माता ने उन्हें स्वप्न में बताया था। राजा ने जब मंदिर के लिए खुदाई कराई तो वहां पर गोबर में सनी एक माता की मूर्ति निकली, जिसे राजा ने ये मंदिर बनवा कर उस मूर्ति को स्थापित करा दिया और इस मंदिर का नाम रख दिया गया गोवर्धनी माता का मंदिर। उसके बाद से ही सवाजपुर के लोगों के लिए ये मंदिर आस्था और श्रद्धा का केंद्र बन गया। लोगों का यहाँ तक मानना है कि उनकी मन्नतें भी वहाँ से पूरी होती हैं। ऐसे और भी मंदिरों को और हरदोई जनपद के पौराणिक इतिहास को आगे भी हम आपको रूबरू कराते रहेंगे और दिखाते रहेंगे। हरदोई से वीडियो जर्नलिस्ट कपिल के साथ मैं नितेश चंद शुक्ला न्यूज वर्ल्ड के लिए। चलिए अब अगली खबर आपको अलीगढ़ की दिखाते हैं। यहाँ चोरों ने कुछ ऐसा कारनामा कर दिखाया जिसे देखकर हर कोई हैरान रह गया। कारनामा ये था कि चोर महिला आयोग की सदस्य मीना कुमारी की सरकारी कार के चोरों ने पहिए निकाल लिए और गाड़ी को ईंटों पर खड़ी करके वहां से फरार हो गया। ईंटों की शैया पर खड़ी ये कार अलीगढ़ महिला आयोग की सदस्य मीना कुमारी की है। कार सरकारी है, लेकिन चोरों के हौसले इतने बुलंद हैं कि चोर कार के चारों पहिए निकाल कर ले गए।
चंद मिनटों में चोरों ने ये कारनामा कर दिखाया। दिन भर की हारी थकी महिला आयोग की सदस्य मीना कुमारी रात में अपने घर में आराम फरमा रही थीं, लेकिन चोर बाहर अपने कारनामे को बखूबी अंजाम दे रहे थे। घटना को अंजाम उस वक्त दिया गया जब मीना कुमारी की सरकारी इनोवा गाड़ी उनके घर के बाहर खड़ी थी। हालांकि सूचना के बाद मौके पर कवारसी थाने की पुलिस भी पहुंची, लेकिन किसी भी चोरों की गिरफ्तारी नहीं की। पुलिस अभी तक जांच पड़ताल के लिए आसपास की सीसीटीवी खंगाल रही है। आपको बताते चलें कि कुवारसी थाना इलाके के ज्ञान सरोवर कॉलोनी में बीजेपी की वरिष्ठ नेता मीना कुमारी का आवास है। देर रात एक शादी समारोह से वो घर वापस पहुंची और उन्होंने अपनी इनोवा कार घर के बाहर खड़ी कर दी और वो अपने घर में जाकर अंदर सो गईं। सुबह देखा तो इनोवा कार के पहिए गायब थे और कार ईंटों पर खड़ी हुई थी। दरअसल महिला आयोग की अध्यक्ष मीना कुमारी बीजेपी की वरिष्ठ नेता हैं। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और चोरों की तलाश शुरू कर दी है। इस घटना ने एक बार फिर पुलिस की मुस्तैदी पर बड़ा सवाल खड़ा किया है। सवाल ये है कि अगर यूपी में सरकारी सामान ही सुरक्षित नहीं है तो फिर आम इंसान किस पर कैसे भरोसा कर सकता है, क्योंकि इस तरह की घटना को अंजाम देना पुलिस के लिए खुली चुनौती है। ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि पुलिस इस मामले में चोरों के खिलाफ कब तक कार्रवाई करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज वर्ल्ड इंडिया। इस खास प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज वर्ल्ड इंडिया के साथ। नमस्कार।